नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस टू की फिजिक्स पढ़ रहे थे और विद्युत क्षेत्र का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत क्षेत्र के अंदर आप लोग अब तक जो पढ़ चुके थे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ चुके थे, E=F/Q मात्रक पढ़ चुके थे, न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद में बिंदुवत आवेश के कारण लगने वाले बल के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे बहु आवेशों के कारण लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र के बारे में, बल के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि एग्जाम में चाहे विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, आपको यही टॉपिक करना है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र अपने सीधा नहीं निकाल सकते, विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में अगर अपने परिभाषित करें तो गणितीय रूप में अपने इसे परिभाषित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में करते हैं, ठीक है। यहाँ इसे अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अपने इसके डायग्राम से शुरू करते हैं, हालांकि डायग्राम लास्ट क्लास में मैंने बना दिया था, फिर भी देखो ये आपके पास में एक्स अक्ष, ये वाई है और ये मूल बिंदु ओ है। मूल बिंदु ओ के सापेक्ष कोई एक आवेश स्थित है Q0 और ये जो दूरी है कितनी है R0 वेक्टर है, ठीक है। ये इसका स्थिति सदिश होता है, Q0 जो है उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R0 वेक्टर है। ये Q1 है, ये R1 वेक्टर है, ये भी अपने पास में स्थिति सदिश है और ये किसके सापेक्ष है, ये भी मूल बिंदु के सापेक्ष है। इस तरफ जो बल लगता है वो F01 लगता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आएगी, E01 वेक्टर आएगी, ठीक है। एक दो और ले लेते हैं, इस तरफ मान लो Q2 है। देखो आप Q1 Q2 Q3 कहीं भी रखो पर दिशा आपको धनात्मक आवेश जो होता है उसके लिए कहाँ होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है। धनावेश से हमेशा किस ओर होती है, जिस ओर अपने बिंदु होता है जिस पर अपने तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस ओर होती है। तो ये धनावेश है, इससे जब आप लोग दिशा लोगे तो उस बिंदु की ओर आएगी जिस बिंदु की ओर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, E02 आ जाएगा। यानी डायग्राम बिल्कुल ऐसा रखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग यहाँ Q1 लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे, यहाँ मैंने लिख ही रखा है, यहाँ भी लिख सकते थे। Q2 को भी आप कहीं भी घुमा करके कहीं भी लिख सकते थे, पर जो दिशा लिखो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी दिशा धनावेश से हमेशा किस ओर होती है, धनावेश से हमेशा इसकी दिशा जो है वो दूर की ओर होती है। दूर की ओर किस ओर होती है, जिस ओर अपने परीक्षण आवेश रखा होता है उस ओर होती है, ठीक है। अपने सीधा एन की बात कर लेते हैं ताकि आपको डायग्राम भी दिखता रहे, वैसे 3, 4, 5 भी लिख सकते हो। R0 यहाँ लिख देता हूँ, R0 वेक्टर है। इस जगह मान लेता हूँ मैं कौन सा आवेश रखा है, अपना N1 आवेश रखा है, Q N रखा है। इसकी वजह से जब दिशा निकालोगे आप लोग तो ये किसकी दिशा आ जाएगी, ये आ जाएगी E0N वेक्टर की दिशा। तो ये क्या है, E0N वेक्टर है। तो ये E01 वेक्टर, E02 वेक्टर, E0N वेक्टर, ये अपना मूल बिंदु O। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, इसका डायग्राम बना सकते हो। एक तरफ एक्स एक्स है, दूसरी तरफ अपने वाई एक्स है, ठीक है। अब सबसे पहला जो आपको विस्थापन सदिश की अगर बात करो, R01 वेक्टर की, R02 वेक्टर की, R03 वेक्टर की, तो वो तो आप लोगों को पता ही है। जैसे इन दोनों के मध्य विस्थापन सदिश अगर आपको लेना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि पोजीशन जो है किसके सापेक्ष देख रहे हैं। जैसे Q0 की पोजीशन अब तक आप किसके सापेक्ष देख रहे थे, O के सापेक्ष देख रहे थे। अब आपको किसके सापेक्ष देखनी पड़ेगी, 1 के सापेक्ष देखनी पड़ेगी, भी जो बल लगा रहा है वो उससे कितनी दूरी पर है, और अपने R01 वेक्टर से उसे लिख देंगे। तो ये आप पीछे वाले वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो अब अपने बात कर लेते हैं सबसे पहले Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q0 पर बल बता देता हूं पहले आपको,
किस जीरो पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है। साथ के साथ आपका जो बल वाला अध्यारोपण का सिद्धांत है वो भी हो जाएगा। तो ये आएगा एफ जीरो वन, इसका वेक्टर, और साथ में के क्यू जीरो क्यू वन और अपोन में आर जीरो वन स्क्वेयर और आर जीरो वन कैप, ठीक है। ये आपके पास में किसका मान है, ये आपके पास में मान है एफ जीरो वन वैक्टर का। आपको किसका मान चाहिए, आपको चाहिए ई जीरो वन वैक्टर का। किसका चाहिए, ई जीरो वन वैक्टर का। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, ई जीरो वन वैक्टर बटा क्यू जीरो, ई जीरो वन वैक्टर इक्वल एफ जीरो वन बटा क्यू जीरो, यानी यहाँ से कौन सी टर्म हट जाएगी, यहाँ से क्यू जीरो वाली टर्म हट जाएगी। तो ये बचेगा के क्यू वन अपॉन आर जीरो वन स्क्वेयर और आर जीरो वन कैप। ये किसका मान आ गया, ये ई जीरो वन वैक्टर का मान आ गया, ठीक है। ये टर्म फिर से बता देता हूँ आपको। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने क्यू जीरो पर लगने वाले बल की बात की, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ लिखते हैं पर के कारण, पर के कारण जीरो पर एक के कारण। तो एफ जीरो वन वैक्टर इसके इक्वल के क्यू जीरो क्यू वन अपॉन आर जीरो वन की स्क्वेयर और इनटू आपने क्या लिख दिया, आर जीरो वन कैप लिख दिया। यहाँ आपको क्या लिखना है, ई जीरो वन जो है वैक्टर लिखना है, यहाँ एफ जीरो वन वैक्टर बटा क्यू जीरो लिखना है, यानी ये जो टर्म लिखी हुई है, ये टर्म यहाँ से कौन हट जाएगा, यहाँ से जो परीक्षण आवेश क्यू जीरो वो हट जाएगा और आपके पास में क्या बचेगा, के क्यू वन अपॉन आर जीरो वन की स्क्वेयर और इनटू क्या आ जाएगा, आर जीरो वन कैप आ जाएगा, ठीक है। अपने बात कर लेते हैं क्यू टू आवेश के कारण, क्यू टू आवेश के कारण क्यू जीरो पर। अब बल की बात ना करके सीधी तीव्रता की बात कर लेते हैं, सारी टर्म अपने पढ़ चुके हैं। क्यू टू आवेश के कारण क्यू जीरो पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो क्या आएगी, अपने आएगी E02 वेक्टर इक्वल K Q0 तो आएगा नहीं, क्या आएगा, Q2 आएगा और R0 की स्क्वेयर आएगी और R0 टू कैप आएगा, ठीक है। यानी जो टर्म जिस पर अपने बल लगा रहे थे वो इसमें नहीं लिखा जाता, तो ये क्या आएगा, E02 वेक्टर इक्वल K Q2 अपॉन R02 की स्क्वेयर और R0 टू कैप। अगर बल का फॉर्मूला अपने देखते तो साथ में क्या आता, इसके क्यू जीरो आता, फिर अपने ये वाला फॉर्मूला उसके अंदर लगाते तो क्यू जीरो कैंसिल हो जाता और यहाँ आपके पास में क्या बचता, ई जीरो टू वैक्टर बचता, ठीक है। इसी प्रकार आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक निकाल सकते थे। चलो एक और निकाल देता हूँ, क्यू थ्री आवेश के कारण, क्यू थ्री आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है। Q3 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, आपको क्या करना है, आपको वही लिखना है, E03 वेक्टर K Q3 R03 स्क्वायर और R03 कैप, ठीक है। समीकरण नंबर अगर लगाओ इसे दो लगा देना और इसे तीन लगा देना। इसी प्रकार क्या आ जाता, इसी प्रकार क्यू एन आवेश के कारण, क्यू एन आवेश के कारण, क्यू एन आवेश के कारण क्यू जीरो पर लगने वाला बल। तो बल की बात ना करके अपने सीधी Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता की बात की अपने, ठीक है। तो यहां पर भी अपने क्या कर लेते हैं, तीव्रता की बात कर लेते हैं, Q0 पर E वेक्टर, ठीक है। या चलो पूरी लाइन लिख देता हूं, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई जीरो एन वैक्टर इक्वल के क्यू एन आर जीरो एन स्क्वेयर और आर जीरो एन कैप। ये समीकरण चार लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बताता हूँ आपको, देखना ढंग से। आपको एक तो शुरुआत की जो टर्म है
आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, आपको बल का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। यह आपने किसका मान निकाल रखा है, बल का मान निकाल रखा है। बल का मान आपको बिल्कुल शुरुआत की टर्म में निकालना चाहिए, क्योंकि एक दो टर्म ऐसी आनी चाहिए इसके अंदर जहाँ आप ये दर्शा सको कि आपने विद्युत क्षेत्र जो ज्ञात किया किससे ज्ञात किया, बल से ज्ञात किया, और किस प्रकार ज्ञात किया, आपने परीक्षण आवेश का भाग लगा करके इसे ज्ञात किया, ठीक है। उसके बाद में आपकी मर्जी है, अगर यहाँ पर आप चाहो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आप अगर चाहो आपके पास में समय बचता है तो आप लोग यहाँ पूरी लाइन लिख सकते हो कि पहले बल का मान निकाल लो, यानी पहले बल का मान निकाल लो, फिर बिल्कुल इसी तरह आप किसका मान निकाल लो, तीव्रता का मान निकाल लो, ठीक है। और इस प्रकार से इसे सोल्व करते जाओ, पर बिल्कुल शुरुआत की टर्म के लिए ये जरूरी होता है, इस जगह ये जरूरी होता है, और बाद में ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बल का मान निकालो। आप लोग सीधा लिख सकते हो जो परीक्षण आवेश है उसे हटा करके, और इसी प्रकार के क्यू एन बटा आर जीरो एन स्क्वेयर, और साथ में क्या आ जाएगा, आर जीरो एन के पास आएगा। फिर आप लोग क्या लिखोगे, फिर आप लोग लिखोगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। देखो क्या आएगा, ई वेक्टर जो है किसके इक्वल आएगा, ई जीरो वन वेक्टर के, ई जीरो टू वेक्टर के, ई जीरो थ्री वेक्टर के, और ई जीरो एन वेक्टर के, ठीक है। कम से कम इसे तीन तक तो आपको लिखना चाहिए, तीन से आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एन लिख सकते हो, पर कम से कम तीन तक आपको इसे लिखना होगा, ठीक है। तीन तक लिख दो और उसके बाद में इसे सीधा एन की ओर ले जाओ। अब आप क्या कर दो, समीकरण एक दो तीन चार सभी से मान उठा करके इस समीकरण के अंदर रख दो, तो ई वेक्टर किसके इक्वल आएगा, आप लोग देख सकते हो समीकरण से एक से, तो के क्यू वन आर जीरो वन स्क्वेयर और आर जीरो वन कैप। ये देखो के क्यू वन आर जीरो वन स्क्वेयर और आर जीरो वन कैप है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार के क्यू टू आर जीरो टू और आर जीरो टू कैप। ये देखो के क्यू टू आर जीरो टू स्क्वेयर और आर जीरो टू की कैप। इसी प्रकार आप के क्यू थ्री आर जीरो थ्री और आर जीरो थ्री कैप लिख सकते हो, जो अपने समीकरण तीन में लिखा है, ठीक है। और फिर सीधा क्या लिख देना, एन लिख देना, के क्यू एन और यहाँ क्या आ जाएगा, आर जीरो एन स्क्वेयर और आर जीरो एन कैप आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ई वेक्टर का मान लिखना है, तो आप लोग कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन लेने के लिए आपके पास में सिर्फ यहाँ पर क्या है, के है। पूरी टर्म में आप लोग देख सकते हो, पूरी टर्म में क्या है आपके पास में कॉमन लेने के लिए सिर्फ के है। तो आप लोग क्या करोगे, के को कॉमन ले लो, ये अपने के को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा क्यू वन आर जीरो वन स्क्वेयर आर जीरो वन कैप प्लस क्यू टू आर जीरो टू स्क्वेयर आर जीरो टू कैप प्लस क्यू थ्री आर जीरो थ्री स्क्वेयर और आर जीरो थ्री कैप, और सीधा आपके पास में क्या आ जाएगा, ये तो बाहर ही चला गया, आपके पास में आ जाएगा क्यू एन आर जीरो एन स्क्वेयर और आर जीरो एन कैप, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके पास में ई वेक्टर का मान आ जाएगा, ठीक है। ई वेक्टर का मान ज्ञात करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको लिखना है ई वेक्टर इक्वल के, समीकरण लगा के लिख देना है एक से एन तक, एक से एन तक अपने क्या करना है, समीकरण करना है। तो जहाँ जो मान बदल रहे हैं वहाँ आपको आई लिख देना है। देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव एन तक जा रहा है, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे अपॉन में आर स्क्वेयर जीरो। अब देखो ये फिर से बदल रहा है वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, आर जीरो आई कैप, ठीक है। देखो समीकरण वैसे तो आपको लिखना आता होगा अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो, फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आपको समीकरण लिखते समय क्या करना है, ऊपर वाली किसी एक टर्म को उठा लो, जैसे मैंने इस टर्म को उठा लिया, ठीक है, इस टर्म को मैंने ले लिया, इसी का समीकरण बनेगा। आपको करना क्या है, कंपेरिजन करके देखो क्यू सम में आ रहा है तो क्यू अपनी जगह आ जाएगा, क्योंकि साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पर क्यू वन आ रहा है, क्या लिखा हुआ रहा है, वन लिखा हुआ रहा है, यहाँ टू लिखा हुआ रहा है, थ्री लिखा हुआ रहा है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एन तक जा रहा है। तो जो टर्म बदल रही है वह आपने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, और आई का मान एक से लेकर के एन तक आने वाला है। अब देखो आर जीरो वन स्क्वेयर, आर सब में आ रहा है तो आर सीधा लिख दिया, स्क्वेयर सभी में आ रही है तो यहाँ क्या लिख दी, स्क्वेयर लिख दी, जीरो सभी में आ रही है तो यहाँ क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। फिर देखो वन टू थ्री फोर फाइव एन, ये फिर से बदल रहा है तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो
ये देखो अपने आर जीरो आई कैप लिखा, तो आर सब में आ रहा है, सब में आर आ रहा है, आर लिख दिया, जीरो सब में आ रहा है, जीरो लिख दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एन तक जा रहा है, फिर से अपने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, और साथ में क्या लिखा हुआ है, कैप लिखा हुआ है, ठीक है। और आप जाओ तो यहाँ से आप लोग के का भी मान लिख सकते हो, ठीक है। अगर के का मान आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हो, ठीक है, लिख लेना आप लोग इसे, के इक्वल वन अपॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन जीरो लिख देना, ठीक है। और अगर आपके एप्सिलॉन जीरो के का मान ढंग से याद है, जो कि आपको याद रखना है, तो साथ में मान भी लिख देना के का एप्सिलॉन जीरो का, और इसका मात्रक भी लिख देना, ठीक है। ये अपनी बात थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बहु आवेशों के कारण। अपने क्या किया, F01 वेक्टर का मान ज्ञात करके अपने E01 वेक्टर का मान ज्ञात किया, जो टर्म बदल रही थी सभी को लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ गया, अपने E आ गया। एक दो बातें जो और आपको शायद जाननी चाहिए वो आपको बता देता हूँ, फिर से वही बात कर लेते हैं कि कुछ एक बुक्स के अंदर आप लोग ये पढ़ने वाले हो कि वहाँ पर आपको क्या मिले, कि यहाँ पर सिर्फ आपको मिले आर टू, यहाँ मिले आर टू, यहाँ मिले आर थ्री स्क्वेयर, आर थ्री केप, यानी आपको यहाँ मिले आर टू की स्क्वेयर, यहाँ मिले आर टू केप, यहाँ मिले आर थ्री की स्क्वेयर, आर थ्री की केप। कि अगर आप लोग, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है वन वाला, ठीक है, और क्या लिखा हुआ था, टू वाला लिख देता हूँ, सामने लिखा हुआ आपके के क्यू टू और आर जीरो टू की स्क्वेयर और आर जीरो टू की केप लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसका मान लिखा हुआ है, ई जीरो टू का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, के क्यू टू आर जीरो टू की स्क्वेयर और आर जीरो टू केप लिखा हुआ है, ये अपने ई टू वेक्टर का मान लिखा हुआ है। तो ये तो सही है, ये कब सही है, जब आपने इसके साथ में डायग्राम ये बनाया, यानी जब आप लोग ये डायग्राम बनाते हो ये तभी सही है, ठीक है। अगर डायग्राम चेंज कर दिया जाए, किस प्रकार से चेंज कर दिया जाए, भी डायग्राम अगर ये बना दिया जाता, ये बड़ा, और इस जगह क्या कर दिया जाता, Q0 लिख दिया जाता, अगर इस जगह Q0 लिख दिया जाता तो फिर अपना ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि इस डायग्राम के साथ अपनी ये कैलकुलेशन नहीं आएगी। यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ अगर आप लोग दूरियाँ देखो तो सीधी R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और Rn वेक्टर है, ठीक है। तो डायग्राम के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन की जाती है, आप ये डायग्राम लिखो तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है, समझ में आई बात। डायग्राम ये और ये जो डेरिवेशन है ये भी आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि इस क्यू जीरो को उठा करके आप लोग मूल बिंदु पर रख दो, अगर आप इसे मूल बिंदु पर रख देते हो तो फिर ये जो दूरी है बदल जाती है। वजह ये है कि आपने जब ये लिखा था, देखो आपने जब ये लिखा था आर जीरो टू की स्क्वेयर, ये क्या था, ये दूरी थी किसके बीच की, ये दूरी थी आवेश जो बल लगा रहा है जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो फ्रिक्शन आवेश है, उन दोनों के बीच की दूरियां थी, यानी आपका Q2 और Q0 इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, R02 थी, जिसे अपने सदिश रूप में R02 वेक्टर लिखा था। इसी प्रकार इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, R01 वेक्टर थी। अब देखो R1 वेक्टर क्या है, क्या R1 वेक्टर इन दोनों के मध्य दूरी है, बताओ Q0 और Q1 के मध्य दूरी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बिंदु O जो है, यानी जो मूल बिंदु है उसके सापेक्ष Q1 वेक्टर जो है उसका स्थिति सदिश है, तो ये जो दूरी है ये R1 वेक्टर ये वाली है। अगर Q0 को यहाँ रख दिया जाता, यानी मूल बिंदु पर यदि अपने Q0 को रख देते, तब वो दूरी अपनी क्या आती, R1 वेक्टर आती। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना कि कैलकुलेशन करते समय डायग्राम भी वो बनाना जिसकी आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक का डायग्राम, उसी बुक की कैलकुलेशन, मेरे नोट्स पढ़ रहे हो तो जो डायग्राम नोट्स में बना हुआ है उसी की कैलकुलेशन, ठीक है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए किसी एक चीज़ को ही फॉलो करना, या तो नोट्स से पढ़ना या फिर जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उसी से पढ़ना, क्योंकि अगर आप लोग डायग्राम को बदल देते हो तो उसकी कैलकुलेशन भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। या मैं, आपने देखा होगा पीछे वाले को भी यही रखा था मैंने, और इसको भी यही रख रहा हूँ, और आगे भी जितने भी आएंगे उन सबको इसी जगह रखूँगा, जिससे अपनी कैलकुलेशन क्या रहेगी, एक्स मान रहेगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना कि ये फ्रिक्शन आवेश जो है वो इस जगह रखा हुआ है, क्यू जीरो मूल बिंदु पर नहीं है, ठीक है। अब अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं।
और अपना नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अध्यारोपण का सिद्धांत वगैरह बहु आवेशों के कारण इतना नहीं पूछा जाता जितना बिंदुवत आवेश के लिए, या फिर सदिश रूप यानी क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसकी पालना करता है या नहीं करता, उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब अपने जो बात करने वाले हैं वो अपने बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो अब तक अपने जो बात कर चुके हैं उनके अंदर आप लोग ये देख चुके हो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब आपको विद्युत क्षेत्र को दर्शाना हो, जैसे कि कागज पर आपको विद्युत क्षेत्र दर्शाना है तो आप किस प्रकार दर्शाओगे, तो इसको दर्शाने का तरीका होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र को अपने को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ रेखाओं को काम में लिया जाता है जो अपनी क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं की। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में यदि अपने क्या कर दे काल्पनिक वक्र खींच दे, विद्युत क्षेत्र में यदि अपने क्या कर दे काल्पनिक वक्र खींच दे जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करे, स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करे क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। परिभाषा देखो ढंग से इसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा आप जरूर याद रख लेना और अच्छे तरीके से याद रख लेना कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। क्योंकि कामचलाओ परिभाषा लिखने के लिए अब सीधा लिख सकते थे कि विद्युत क्षेत्र को क्या करते हैं, कुछ रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र को कुछ रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और रेखाओं को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। पर आपको ये लिखना है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करता है क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा आ गई। अब देखो कुछ एक बातें और, अब आते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं। आप पुराने पेपर उठा करके देखोगे, बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखे, या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएँ आपस में क्यों नहीं काटती है, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। तो ज़्यादातर ये पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखे, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब गुणों की बात कर लेते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र रेखा, जैसे मैंने ये रेखा खींच दी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचो, या आपने क्या कर दिया स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा जो है वो किसकी दिशा को व्यक्त कर रही है, ये स्पर्श रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। बात समझ में आई, विद्युत क्षेत्र रेखा के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। और ये स्पर्श रेखा किसकी दिशा को व्यक्त करती है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। आने वाले दिनों के अंदर जब करीब करीब ये फर्स्ट फिजिक्स के शुरुआत के चैप्टर आधे से ज़्यादा हो जाएंगे, लगभग 7-8 जो चैप्टर आप पढ़ोगे उस तक आप जब पहुँचोगे तो वहाँ आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में भी पढ़ोगे। लगभग प्रॉपर्टी इनके जैसी है, हालांकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें फर्क होता है, विद्युत क्षेत्र अलग होता है, वहाँ हमेशा द्विध्रुव एन एस एक साथ होते हैं, यहाँ अकेला आवेश अकेला पॉजिटिव अकेला नेगेटिव हो सकता है, कुछ एक गुण डिफरेंट होते हैं, पर बेसिक जो है उसका यही रहने वाला है। ठीक है, तो अगर अपने
काल्पनिक रेखा के पृष्ठ पर जो कोई बिंदु है उस पर स्पर्श रेखा खींच दे तो वो किसकी दिशा को व्यक्त करेगी, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। दूसरा गुण देखो, इंपॉर्टेंट गुण है ये गुण अपने को बताता है कि कोई दो क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, कोई दो क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, कोई दो क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? इसलिए नहीं काटती कि अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया कि आपने क्या किया, कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची, किसकी दिशा को व्यक्त कर रही है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। अगर क्या होता, अगर दो क्षेत्र रेखाएं काटती, हालांकि काटती नहीं है, अगर काटती, जैसे ये मान लो ये पॉइंट है और यहाँ पर ये क्या कर रही है, काट रही है, अगर ये काटती तो विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करने के लिए आप यहाँ स्पर्श रेखा खींचते और फिर आप क्या करते, इस जगह स्पर्श रेखा खींचते, जो क्या होता, गलत होता। क्यों गलत होता? कि आपने जैसे ही स्पर्श रेखाएं खींची तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दो अलग अलग आ गई, एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं आ गई, एक तो इस तरफ जा रही है और दूसरी इस तरफ जा रही है, और ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा क्या है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। कारण लिख सकते हो आप लोग यहां कि जो अपना कटान बिंदु है, कटान बिंदु, उस पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो असंभव है, जो संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो दिशाएं, ये लिख देता हूं, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। ये क्या है, इसका कारण है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती है, अगर नहीं काटती तो क्यों नहीं काटती, तो उस जगह आपको बताना पड़ेगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काटेगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होगी, जो क्या है, असंभव है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। फर्स्ट पॉइंट, स्पर्श रेखा खींचते हैं, किसकी दिशा व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। दूसरा पॉइंट, दो क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं आ गई, जो कि असंभव है। और बात कर लेते हैं अपने, एक बात कर लेते हैं बंद वक्र की। चलो बंद वक्र की बात करें, बताई देता हूँ। बंद वक्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या नहीं करती, बंद वक्र नहीं बनाती है, नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। धनावेश से चलनी शुरू की और ऋणावेश पर जाकर के क्या होगी, समाप्त होगी। धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होने के कारण क्या होता है, ये बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, यानी ये धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर जाकर के खत्म हो जाती है, इस प्रकार ये बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, ये आपके ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा जब आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। वहाँ आप लोग बंद वक्र बना हुआ देखोगे और यहाँ बंद वक्र नहीं बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से चली और यहाँ जाकर ये समाप्त हो जाएगी। पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे नहीं करती, वो लगातार चलती रहती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोनों में से कौन सा बंद वक्र बनाती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो बंद वक्र बनाती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात तो अपने चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में ही करेंगे। तो यहाँ देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है क्या, नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक दो गुणों की और अगर अपनी बात करें तो एक आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से क्या होती है, बाहर निकलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से बाहर निकलती है। और पांचवा अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो ऋणावेश पर जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आप ये लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से